खेलाला लेफ्ट साइड की जानी फील्डर मौजूद, एक रन बनाने में कामयाब। स्कोर जो अपनी पहली गेंद पे विकेट ले चुके हैं। गेंद की बहुत जबरदस्त शॉट ऑफ साइड पे चार रनों के लिए। पर वो क्रॉस से गेंद की दिलचस्प को ठीक है, इससे सेल्फी ले रहे निशान से कहीं तौर पर पूरा तमाम शॉर्ट पिच गेंद डिफेंस टॉस गेंद मोड़ दिया है, फील्डर मौजूद निकल गए हाथ से बच्चे निशान पर बॉल निशान से टॉस गेंद खूबसूरत शॉट बॉजी के पार निकल कर जाती हुई गेंद छह रनों के लिए शानदार रास्ता दिखाने में कामयाब। और इस बार क्लब चिरिपा वर्सेस नायाब क्लब शॉट के दरमियान और इसी दौरान खूबसूरत शॉट नेट के बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए शॉट पे गेंद जिसको जो पहली गेंद करके मुबारक उठा के खेला है समझे जाते हैं मोहम्मद अली। गेंद मुबारक सामने करेंगे मोहम्मद अली उठा के खेला है लंग अच्छी फील्डिंग की ए रन का इजाफा साजिद को गेंद की उठा के खेलना चाह रहे थे नाकाम हो गए। गेंद करेंगे साजिद को उठा के एक बार फिर अपने बॉल निशान से छोटा गेंद जिसको मोड़ दिया है फाइन लेके जा रही है फील्डर मौजूद वहां पर अच्छी फील्डिंग दो रन लेने से नहीं रोक सकेंगे दो रनों का इजाफा स्कोर में 65। एक बार फिर आएंगे एक और अच्छी गेंद फील्डर मौजूद और खूबसूरत टॉस जीत जाने के बाद नायाब क्लब ने बैटिंग करने का फैसला करते हुए 90 रन का मजमूई टोटल बना लिया है। 91 रन का हदफ दिया जा चुका है दिलकश क्लब को जिस हदफ के ताकत में दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं मोहम्मद अतील एंड मोहम्मद जहूर। टीम काजमी के नाम मनाजिर को एंजॉय कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इन मनाजिर से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। टारगेट नए गेंदबाज जामिन फुलटॉस गेंद तीन रनों का इजाफा होगा स्कोर में। जहूर के बल्ले से एक और खूबसूरत शॉट निकल चुका है लॉन्ग ऑन पर प्लेयर मौजूद है जो मतलब गेंद सामना करेंगे लेग बाय की सूरत में एक रन का और इजाफा निकाल लिया है इस बार फाइनल की जाने फील्डर मौजूद वहां पर और अच्छी फील्डिंग एक रन का और इजाफा स्कोर में। चौथा ओवर का खेल इस वक्त जारी है जाकिर हुसैन है जो कि दूसरी विकेट के गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आफरीदी का सामना करेंगे। बनाने में अब तक दिलकश क्लब कामयाब और इसी दौरान जोरदार शॉट दो फील्डर के सर के ऊपर से निकल कर छह रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार शॉट फिर जो तैयार हैं करने के लिए तैयार है जामिन की गेंद का सामना करने के लिए तैयार है